हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। सीबीएसई ट्वेल्थ क्लास एग्जाम को लेकर, स्टेट बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी बड़ी मीटिंग संपन्न हो चुकी है। आज मॉर्निंग में 11:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी। उस मीटिंग के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल थे। काफी सारे स्टेट मंत्री भी थे उनके अंदर, जो शिक्षा मंत्री है हमारे राजस्थान स्टेट के, अन्य स्टेट के मंत्री भी शामिल थे। और काफी बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई थी शिक्षा क्षेत्र के अंदर, तो काफी बड़े फैसले लिए जाने थे उस मीटिंग के अंदर। कौन कौन से फैसले आए हैं, नहीं आए हैं, सीबीएसई ट्वेल्थ क्लास की एग्जाम होगी नहीं होगी, स्टेट बोर्ड की एग्जाम होगी नहीं होगी, इसको लेकर जो भी फैसले आए हैं, जो भी निर्णय लिए गए हैं, उनको लेकर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, आप अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। काफी सारी मेरी क्लासेस वहां पर चल रही हैं। आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में आप उसे मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, साइन इन करें, और साइन इन करने के बाद में जो है गोल सेलेक्ट करें रेलवे एग्जाम, बिकॉज मैं रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं। तो आप रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री लाइव क्लासेज में जाएं, और फ्री लाइव क्लासेज में जाने के बाद में आप नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, प्रोफाइल पे फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद में आप मेरी क्लासेज ले सकते हैं, प्रोमो कोड लगा सकते हैं genuine10, genuine10 genuine10 प्रोमो कोड लगाएं, क्लास ओपन हो जाएगी। क्लास जो मेरी है वो 8 बजे है, तो 8 बजे क्लास जनरल साइंस की क्लास होने वाली है, क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मैं गिवन कर दूंगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है 11:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, सभी को इंतजार था कि क्या निर्णय आएगा ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर, स्टेट बोर्ड को एग्जाम को लेकर। और काफी लंबी मीटिंग चली, करीब 4-5 बजे तक वो मीटिंग चली, और उसके बाद में जो निर्णय आए, जो फैसला आए, मैं आपको बताने वाला हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने सभी स्टेट को, सभी स्टेट के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के अंदर आप प्रस्ताव तैयार करके भेजें, जो भी आप चाहते हैं अपने स्टेट बोर्ड के अंदर, जो भी निर्णय लेना चाहते हैं कि एग्जाम हो नहीं हो, तो आप 2 दिन उनको दिए हैं। 25 मई तक सभी स्टेटों को प्रस्ताव भेजने हैं केंद्र सरकार को, और उसके बाद में 1 जून को मीटिंग होगी वापस से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर। 1 जून को मीटिंग होगी और 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि आपकी एग्जाम कराई जाए नहीं कराई जाए। अब यहां पर मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, उनसे खबर आ रही है कि इस बार 12th सीबीएसई की एग्जाम होगी, एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, एग्जाम बिल्कुल डेफिनेटली होती नजर आ रही है। लेकिन किस रोड मैप के आधार पर एग्जाम होगी, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सीबीएसई के पास 12वीं एग्जाम के 2 विकल्प हैं, और 2 विकल्प के आधार पर वो एग्जाम करा सकती है। पहला विकल्प जो है, मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा सेंटर्स पर हो। मेजर सब्जेक्ट का मतलब, अगर किसी के पास में साइंस स्ट्रीम है, पीसीएम है, किसी के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मेन सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो किसके आधार पर मिलेंगे, तो यहां पर लिख रखा है कि इनके नंबर्स को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट मतलब जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है या जो अन्य सब्जेक्ट हैं, उनको भी नंबर दे दिए जाएंगे। तो मेन सब्जेक्ट के पेपर हों और इन्हीं के आधार पर जो मेन सब्जेक्ट के नंबर आएंगे, इन्हीं के आधार पर जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनमें नंबर दे दिए जाएंगे। दूसरा विकल्प क्या है, तो दूसरा विकल्प मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर दूसरा विकल्प क्या है, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए 90 मिनट का पेपर मिले, 90 मिनट का पेपर हो, लगभग 1.5 घंटे का पेपर हो, और 1.5 घंटे के पेपर के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो, 1-liner 2-liner क्वेश्चंस हो या ऑब्जेक्टिव हो, और 45 दिन में एग्जाम हो सकती है। कितने दिन में, 45 दिन में एग्जाम हो सकती है। अगर मैं पहले विकल्प की बात करूं, तो अगर यह विकल्प माना जाता है तो इसके अंदर लगभग 3 महीने चाहिए सीबीएसई बोर्ड को, क्योंकि यहां पर जो है आपका टाइम टेबल भी जारी होगा, उसके बाद में आपकी एग्जाम भी होगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट भी आएगा, तो लगभग 3 महीने का समय चाहिए। 3 महीने के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होगी उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। यहां पर जो मंत्रियों का कहना है कि अगर कोरोना ऐसे ही चलता रहा, कोविड केसेज ऐसे ही बढ़ते रहे, तो फैसला लिया जा सकता है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन कैंसिल ना करकर इस रोडमैप के आधार पर जो बच्चों को पास किया जा सकता है उनकी एग्जाम ली जा सकती है। वहीं मैं बताना चाहूंगा, काफी ज्यादा की संख्या में और लोगों के भी स्टेटमेंट सामने आए हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट सामने आया है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर। वो ये चाहते हैं कि एग्जाम नहीं हो, वो बच्चों
बच्चों के हित में है, बच्चों की हेल्थ के साथ में है। उनका कहना है कि 95% जो बच्चे हैं वो 17.5 साल के आसपास है। तो हमें जो है मेडिकल टीम से बात करनी चाहिए, विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए कि 17.5 साल के विद्यार्थियों को वैक्सीन दी जाए और उसके बाद में उनकी एग्जाम ली जाए, क्योंकि अगर उनको वैक्सीन लगती है तो उनकी हेल्थ केयर रहेगी, हम उनका ध्यान रख पाएंगे और कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो जितने भी बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड में लगभग 17-17.5 साल के हैं, तो हमें जो है सलाह लेनी चाहिए मेडिकल टीम से, मेडिकल विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए कि हमको उनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन वैक्सीन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। अगर उनको वैक्सीन लगा सकते हैं तो उसके बाद में उनकी एग्जाम ली जानी चाहिए। वहीं काफी और लोगों के भी स्टेटमेंट सामने आए हैं, काफी लोग एग्जाम के पक्ष में हैं, काफी लोग एग्जाम के विरोध में हैं। और यहां पर जो है सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि एग्जाम होगी सीबीएसई 12वीं की, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की एग्जाम होगी, इसको लेकर 1 जून को फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही मैंने आपको बता दिया 2 विकल्प से इनकी एग्जाम हो सकती है। पहला विकल्प है कि मेन एग्जाम मेन सब्जेक्ट के पेपर ले लिए जाएं और बाकी सब्जेक्ट के पेपर मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे दिए जाएं। वहीं दूसरा विकल्प है कि 90 मिनट का पेपर हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएं। और एक और बात इसमें बोली गई है कि सेंटर पर ही एग्जाम ले ली जाए। सेंटर पर मतलब एक तरह से जहां पर आप जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहीं पर सेंटर बना दिए जाए, अन्य सेंटर पर आपकी एग्जाम नहीं हो, क्योंकि अगर अन्य सेंटर पर एग्जाम होती है तो काफी समस्याएं सामने आएंगी, काफी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो काफी सारी बातें हो रखी हैं, 1 जून को फाइनल निर्णय आएगा। इस मीटिंग से कुछ भी निकल के सामने नहीं आया, सिर्फ बातें ही हुई हैं। समय दिया है सभी स्टेटों को कि भाई 2 दिन है आपके पास में, 2 दिन के बाद आप बता दो कैसे एग्जाम लेनी है नहीं लेनी है, प्रस्ताव भेजो और उसके बाद में 1 जून को फाइनल मीटिंग होगी और 1 जून को फैसला ले लिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर और स्टेट बोर्ड एग्जाम को लेकर। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं स्टेट बोर्ड एग्जाम की, तो हम राजस्थान की बात करते हैं आरबीएसई बोर्ड की। इस मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ कह दिया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को उन्होंने कहा है कि आप अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं, आपको जो उचित लगे, आपको जो उचित लगे आपके राज्य के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से, उस प्रकार से आप अपनी बोर्ड एग्जाम लें या नहीं लें, प्रमोट करें नहीं करें, आप पे डिपेंड करता है। तो यहां पर जो है केंद्र सरकार बिल्कुल दखल नहीं कर रही है, जो राज्य सरकारें हैं उनकी एग्जाम में, उनकी स्कूल की एग्जाम में, उनकी बोर्ड एग्जाम में जो भी फैसला लेना है राज्य सरकार को ही लेना है। तो देखना होगा आरबीएसई बोर्ड या राजस्थान बोर्ड कब तक जो है फैसला लेता है, राजस्थान सरकार कब तक फैसला लेती है हमारी आरबीएसई क्लास 10th और 12th के एग्जाम को लेकर। सभी विद्यार्थियों को इंतजार है कब तक फैसला आएगा, किस प्रकार से एग्जाम होगी, एग्जाम होगी भी नहीं होगी, प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, यह सारा जो है अभी भी कंफ्यूजन ही है, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। साथ ही यहां पर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जो अभिभावक और शिक्षकों के मन में जो अनिश्चितता बनी हुई है, जो अनिश्चितता बनी हुई है, सस्पेंस बना हुआ है कि एग्जाम होगी नहीं होगी कब तक होगी, वो बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है, उनकी जो हेल्थ है, वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसी के हिसाब से हम जो है फैसला लेंगे। तो 1 जून को मीटिंग होगी, 1 जून तक सभी विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा, हो सकता है पॉजिटिव ही कोई रिजल्ट आए और आपकी एग्जाम अगर होती है तो एक सही रोड मैप तैयार किया जाए जिससे आपकी गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़े, आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़े, आपके करियर पर कोई फर्क नहीं पड़े और आपकी जो हेल्थ है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़े। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं, आई होप वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।